हेलो स्टूडेंट, आज जो है मैं आप लोगों को लेसन 7 जिसका नाम जापान द लैंड ऑफ द राइजिंग सन है उसका मैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूँ। प्रीवियस क्लास में जो है मैंने तो इसका जो है थ्री जो है क्वेश्चन आंसर बता दिया था। आज जो है मैं आपका जो है फोर्थ क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट द जापानी लव योर कंट्री। आप कैसे कह सकते हैं कि जापानी लोग जो होते हैं वे अपने देश से प्यार करते हैं। जापानी हमें लव डियर कंट्री एंड इवन टू रेडी टू डाई। जापानी लोग हमेशा अपने देश से प्यार करते हैं, वे जो है कभी भी जो होते अपने देश के प्रति अपना प्राण निसर्ग करने के लिए तैयार रहते हैं। दे रेस्पेक्ट डियर कंट्री विद बटन ऑफ ऑर्डर हार्ट। दे रेस्पेक्ट डियर कंट्री विद बटन ऑफ ऑर्डर। वे लोग जो है अपने देश को जो है सम्मान करते हैं, सच्चे दिल से जो है वे अपने देश का सम्मान करते हैं। दे वर्क वेरी हार्ड टू डेवलपमेंट ऑफ योर कंट्री। वे अपने देश को विकसित बनाने के लिए हमेशा कठिन परिश्रम करते रहते हैं। दे टेक केयर ऑफ क्लीननेस। वे लोग जो है सफाई पर भी क्या होते हैं ध्यान देते हैं। दे टेक केयर ऑफ द क्लीननेस ऑफ योर हाउस। अपने घरों पर जैसे वे सफाई पे ध्यान देते हैं वैसे वे अपने देश की सफाई पर भी ध्यान देते हैं। व्हाट इज सिंथोइज्म, व्हाट डज इट मीन। सिंथोइज्म क्या है, ये क्या बताता है, क्या हमें सिखाता है। सिंथोइज्म इज द चीफ रिलीजन ऑफ द जापानी। जापानी लोगों का जो है मुख्य धर्म जो होता है सिंथोइज्म होता है। इट इज जापानी टू ऑनर टू डियर डेट वन ऑफ लव दे वांट टू लव ब्यूटीफुल थिंग्स। सो द जापानीज आर फॉन्ड ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स इन मेकिंग यूजिंग एंड वेरी पोलाइट। सिंथोइज्म जो है वो जापानी लोगों का मुख जो होता है धर्म होता है। ये जापानी लोगों को सिखाता है कि जो भी सो होते हैं जो भी है उनका हमें सम्मान करना चाहिए। जो भी सो होते हैं मृतक जो भी होते हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए। लव ब्यूटीफुल थिंग जो भी सुंदर चीजें हैं उसे हमें पसंद करना चाहिए। सो द जापानीज आर फॉन्ड ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। इसीलिए वे लोग जो है जापानी लोग जो भी अच्छी चीजें होती है उसको भी पाते हैं। इन मेकिंग उसको बनाने में भी काम करते हैं। जो अच्छी चीजें होती है उनको बनाने में भी काम करते हैं। यूजिंग उपयोग भी करते हैं ब्रेन फ्लाइट। और वे लोग जो होते हैं बहुत ही विनम्र होते हैं। तो सिक्स नंबर जो क्वेश्चन है, मेक ए कंपैरिजन बिटवीन लाइफ स्टाइल ऑफ एन इंडियन एंड जापानीज। देखिए इसमें जो है आपको बताना है कि भारतीय लोग और जापानी लोग में की जो जीवन शैली है उसमें क्या विभिन्नता है, क्या उसमें अंतर है। क्योंकि सब देश में जो है अलग अलग से रहते हैं, वैसे भारत और जापान में क्या विभिन्नता है तो देखते हैं। इंडियन कैन बी सीन स्पाइटिंग हियर। हम लोग भारतीय लोगों को देखते हैं कि ये लोग यहाँ थूक देते हैं, यहाँ पे बियर का वहां पे थूक देते हैं। एंड देयर इज वेरी कॉमन, ये आम बात है, भारतीय लोग में आम बात है और कहीं भी थूक देते हैं। बट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड बाय द जापानी। लेकिन जापानी लोगों में ये ऐसा नहीं होता है, वे लोग होता है कहीं भी नहीं थूक सकते हैं। तो पहला अंतर हो गया कि भारतीय लोग है और कहीं भी थूक देते हैं, उनमें कोई मैनर नहीं है। लेकिन जापानी लोग में क्या मैनर होता है, जहाँ कहीं भी वे नहीं थूक सकते हैं। वे जापानी एक हार्ड वर्क, जापानी लोग जो होते हैं कष्टी होते हैं, वेल मैनर्ड सभी भी होते हैं एंड वेरी पोलाइट और विनम्र भी होते हैं। वे लोग जो होते हैं विनम्र होते हैं, गंभीर होते हैं, कोई भी चीज जो होता है बहुत सोच समझ के लेते हैं। एंड इंडियन इज नॉट, लेकिन भारतीय में ऐसा नहीं है। एंड इंडियन विल बिकम अनहैप्पी एंड सुपीन। यदि भारतीय लोग में कोई पीड़ा हो जाती है तो वे अपना दुख बताते हैं, ये गाड़ी कई लोगों से बताते हैं।
जब वे गिर जाते हैं या चोट लग जाता है, तो फिर भारतीय लोग जो होते हैं क्या, बहुत लोगों से बताते हैं कि हमने गिर गया, मेरे साथ ऐसा हुआ है और यह हुआ, इसमें सारे लोग व्यस्त रहते हैं। लेकिन ये जो जापानी लोग हैं, जापानी बियर थे जापानी लोग जो है वे अगर गिरते भी हैं तो वे समझ कर लेते हैं और उनका चेहरा जो होता है वो एकदम मुस्कुराहट के साथ ही रहता है, जैसे उनको लगता है, आप देख के नहीं बता सकते कि उनके पास कोई दुख है, गिरे हुए हैं जिनको चोट लगा हुआ। लेकिन भारतीय लोग में ऐसा नहीं है। तो आज जो है मैंने जो है आप लोगों का क्वेश्चन जो है इसका कंप्लीट हो गया है। अब जो है मैं आप लोगों को लेसन 7 का जो है कुछ सेंटेंस दिया हुआ है उसको जो है अरेंज करना है। सेंटेंस क्या हुआ, वो इधर से उधर दिया हुआ है उसको अरेंज करना है। तो इसको जो मैं आप लोगों को इसका जो है मैं आपको पीडीएफ फाइल या इसका जो है फोटो भेज दे रहा हूँ, आप इसको सोल्यूशन कीजिए, आप इसका जो है हल कीजिए, इसको अरेंज करके सेंटेंस बनाइए और जो है इसको जो है व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, ताकि आप लोग भी कुछ घर पे रह रहे हैं तो कुछ अपने से भी कुछ प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप लोगों का भी मनोबल बना रहे कि हाँ हम भी है कुछ जो है इसका हम सोल्यूशन कर सकते हैं। और इसके साथ मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चन आंसर जो है आप लोग इसे नोट्स जो है बनाते जाए, कई बच्चों से बात हुआ है तो उनसे बात हुआ है तो वे बोल रहे हैं कि नोट्स अभी तैयार नहीं है। किसी का प्रॉब्लम यह है कि वन से टू लेसन बना हुआ है तो किसी का एक लेसन भी नहीं बना हुआ है, तो ऐसा ना हो, इसलिए कि आप जिसका जो है पढ़ाई जो है आज 7 लेसन भी अब फाइनल होने वाला है, इसीलिए आप लोग नोट्स जो है उसको बनाते जाए और जो भी दिक्कत हो रहा है उसे जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जब इस चैनल को आप देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगला वीडियो आए तो आपके पास जो है